हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना के दिखाऊंगी ये माथे वाले बाल किस तरीके से सेट करते हैं, यानी कैसे बालों को निकालते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 4 महीने हो गए हैं तो काफ़ी बड़े बाल हो गए हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने हाथों से किस तरीके से बनाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके बाल हम किस तरीके से उठाएंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, मगर मैं आज आपको साफ़ करके बताऊँगी। उसके लिए ये धागा है, ये भी आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, तो ये आपके घर पे नहीं है तो आप इसे रील के धागे से भी बना सकती हैं, क्योंकि रील तो हर एक घर में होती है। इनसे ही आज मैं आपको ये माथे वाले बालों को उठाकर दिखाऊंगी। तो क्या करेंगे, पहले हम रील का धागा तोड़ेंगे, कम से कम इतना तोड़ेंगे। तो देखिए थोड़ी दूर पे मैंने ये नॉट लगा ली है धागे में। अब इनमें थोड़े से इस तरीके से अंटे देंगे ऐसे, देखो ये मैंने बीच में अंटे दे दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो अब ऐसे साफ करेंगे, देखो कितनी आसान तरीके से ये साफ हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी ये धागे से निकल जाते हैं, रील के धागे से भी बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। देखो तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये बाल सेट हो जाते हैं माथे वाले, देखो कितने कितने बाल आ रहे हैं इसमें धागे में। तो देखिए कितनी आसानी से ये बाल निकल जाते हैं। तो सभी बालों को इसी तरीके से हम उठा लेंगे। अगर आप थ्रेडिंग बनाना भी चाहती हैं तो भी मैं अपने हाथों से अपनी बना लेती हूँ, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि इस तरीके से मैंने बनाया है, मगर आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि मुझे थ्रेडिंग बता दो अपने हाथों से बनाना, तो मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से ये माथे वाले बाल हट जाते हैं और अच्छे से चमक आ जाती है, क्योंकि छोटे छोटे बाल अक्सर करके माथे पर बहुत होते हैं। तो सभी बालों को मैंने हटा दिया है, देखो कितनी चमक आ गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक।